नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज हम सीखेंगे एक मन्ना डे साहब का सुपर डुपर हिट सॉन्ग, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये इतना भावुक सॉन्ग है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने या कभी गाएं या इसके शब्दों पर गौर करें तो आंखें भर आती है, क्योंकि एक ऐसी फीलिंग है एक पिता की अपने पुत्र के लिए कि आप अगर इस सॉन्ग को गाएं और आंखें ना भरें ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पेशली मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग और मैं तो अधिकतर प्रोग्राम्स में गाता भी हूं और हर बार मेरी आंखें भर आती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज हम इसी सॉन्ग का लेसन करते हैं और इसी सॉन्ग को सीखते हैं हारमोनियम पर प्ले करना विद म्यूजिक पार्ट। मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आसान तरीके से इसको सिखाऊं। सॉन्ग भी एकदम इजी है, आप थोड़ा सा भी ध्यान से अगर बजाएंगे बिगनर्स भी तो बहुत अच्छे से इस सॉन्ग को बजा पाएंगे। आइए, अगर आप इस सॉन्ग को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और करते हैं लेसन शुरू। लेसन शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि अच्छे अच्छे लेसन हम इस चैनल पर आपको देते रहे। और फ्रेंड्स, आज का लेसन शुरू करने से पहले तो सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो गला भी काफी खराब है और मुझे कोल्ड भी है, तो खराब आवाज के लिए तो मैं माफी चाहूंगा। आइएगा सीखेंगे सॉन्ग और देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केल की। तो स्केल हमारा वही पहला काला सी शार्प मेजर इसका कॉर्ड है, बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए। इसका जो ओरिजिनल स्केल है वो एफ मेजर है जो मन्ना डे साहब ने गाया है, ठीक है। अब देखेंगे स्वर, देख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि सभी शुद्ध स्वर हैं, नी स्वर जो है वो कोमल है, ठीक है। और मंत्र सप्तक में भी आपका कोमल नी और पा ये यूज है, ठीक है। अब देखिएगा जो गाने की स्टार्टिंग होती है वो इंट्रो म्यूजिक पार्ट जो है वो जो टोन है वो बेल की जो टोन होती है वो टोन है। अब बेल टाइप की जो टोन है उस टोन से पहले म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा। ये है। इसके बाद फिर हमिंग है सेम इसी पार्ट पर, ये है। तो आइएगा पहले यही सीखते हैं। अब देखिएगा, बिल्कुल स्लो में बजा करके दिखाता हूं, फिर इसका नोटेशन मैं आपको बताऊंगा। नोटेशन देखिएगा, सा रे गा रे सा गा रे सा गा रे, आधा इतना है, सा रे गा रे सा गा रे सा गा रे। उसके बाद नी सा रे सा नी रे सा नी रे सा, ठीक है। अब ये इतना होने के बाद फिर एक बहुत छोटा सा एक फ्लूट का पार्ट है। अब जो फ्लूट का पार्ट है वो देखिएगा, बस इतना सा पार्ट है। फिर से देखिए, सा धा मा पा गा मा रे गा सा, इतना सा धा मा पा गा मा रे गा सा, सा धा मा पा गा मा रे गा सा। इतने के बाद यहां से आपका स्थाई शुरू होगा। अब स्थाई देखिएगा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये है स्थाई, ठीक है। अब देखिएगा, जो पहली लाइन है वो आपके मंत्र सप्तक के पास से शुरू होती है,
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। अभी थोड़ा नोट्स देखिएगा। पानी सा 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 रे गा रे, पानी सा 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 रे गा रे, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, पानी सा 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 रे गा रे। ठीक है, उसके बाद तुझे दीप कहूँ या तारा। अब ये जो लाइन है तुझे सूरज कहूँ या चंदा, इसकी जो नोटेशन है सेम उस नोटेशन पर ही ये लाइन आएगी, तुझे दीप कहूँ या तारा। लेकिन फर्क ये है कि जो पहली लाइन है वो पा से शुरू हुई है और दूसरी लाइन सीधा सा से ही शुरू होगी। तुझे दीप सा नी सा, और पहली थी पानी सा, इस तरह से। बस ये फर्क है, बाकी सब सेम रहेगा। तुझे दीप कहूँ या तारा। ठीक है, इसके बाद मेरा नाम करेगा रोशन। अब ये लाइन, मेरा नाम करेगा रोशन सारे पा 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 मा मा धा पा धा मा मा गा रे सा सारे पा, मेरा नाम करेगा रोशन सारे पा 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 मा मा धा पा धा मा मा गा रे सा। ठीक है, मेरा नाम करेगा रोशन। उसके बाद जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा सा सा रे गा गा रे गा रे सा सा सा, जग में मेरा राज दुलारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई आपकी स्थाई। अब इस स्थाई के बाद आपका जो आता है फिर म्यूजिक पार्ट। अब म्यूजिक पार्ट फिर वही बेल टोन है, और उसके बाद आपका साथ साथ में बेल टोन के एक फ्लूट का पार्ट भी चलता है। अब देखिएगा किस तरह से म्यूजिक पार्ट है, पहले सुनिएगा। इतना पहले बेल टोन है, ठीक है। सा रे मा गा रे मा गा रे, इतना सा रे मा गा रे मा गा रे। ठीक है, अब इतना होने के तुरंत बाद फिर फ्लूट का पार्ट है छोटा सा, क्या रे गा सा गा रे देखिएगा सा रे मा गा रे मा गा रे गा सा गा रे। जो बेल का जो पार्ट है वो सिंगल लय में है, ठीक है, और जो फ्लूट वाला पार्ट है वो द्रुत लय में, यानी कि दुगुन में है। सा रे मा गा रे मा गा रे गा सा गा रे, ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इतना बेल का टोन, ये फ्लूट सारे नीरे सा सारे नीरे सा। अब पूरा पार्ट एक साथ मिक्स करके मैं आपको बजा करके दिखाता हूं, देखिएगा। अब इतना पार्ट होने के बाद फिर आपका यहां से अंतरा शुरू होता है। अब अंतरा देखिएगा। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले,
ठीक है, आप देखिएगा आधा आधा करके देखेंगे। मैं कब से तरस रहा था, अब ये गा से शुरू हुआ। मैं कब से तरस रहा था, गा मा मा पा पा धा नी धा पा पा पा। मैं कब से तरस रहा था, गा मा मा पा पा धा नी धा पा पा पा। ठीक है, उसके बाद मेरे आंगन में कोई खेले, पा पा धा 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 पानी धा। मेरे आंगन में कोई खेले, पा पा धा 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 पानी धा। ठीक है, उसके बाद नन्ही सी हंसी के बदले, ठीक है, उसके बाद मेरी सारी दुनिया ले ले। अभी ये माँ और रे, मेरी सारी दुनिया ले ले। मारे रे मा मा पा पा नी धा पा 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 नी। अब यहां सा का कर्ण लेकर के आ रहे हैं। मारे रे मा मा पा पा नी धा पा पा पा। अब उसके बाद तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राम। फिर ये लाइन, ठीक है, आप देखिएगा। तेरे संग झूल रहा है, सानी नी सा सानी नी धा धा पा पा मा मा। तेरे संग झूल रहा है, ठीक है, मेरी बाहों में जग सारा, मेरी बाहों में जग सारा। पानी धा पा मा गा रे सा रे गा रे, मेरी बाहों में जग सारा। पानी धा पा मा गा रे सा रे गा रे। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राम। अब ये जो लाइन है मेरा नाम करेगा रोशन, इसका हमने नोटेशन इस टाइम में सीख लिया है। तो इस तरह से आप इस पूरे गाने को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी। और हाँ, आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल 2021 आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो और आप सभी अपने सपने साकार कर पाएं, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक नए साल में। तो कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस। गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।